नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं पुणे किसान एग्जीबिशन में। यहां पर काफ़ी एग्रीकल्चर की कंपनीज आती हैं और कुछ ना कुछ नया किसानों के लिए लेकर आती रहती हैं। एक फ़िलहाल हम मौजूद हैं एग्री प्लस के स्टॉल पर और हमारे साथ कंपनी की तरफ से मौजूद हैं शुभांकर दत्ता गुप्ता जी। एग्री प्लस क्या करती है और किस तरीके के नए प्रोडक्ट कंपनी के लिए ये कंपनी किसानों के लिए लेकर आती है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पीछे ईबीबी एंड फ्लो मॉडल का एक ये उत्पाद है। क्या है ये उत्पाद, कैसे काम करता है, हम जानेंगे। शुभांकर जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक्चुअली एग्री प्लस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो जानी जाती है ग्रीन हाउस सेक्टर में और हाईटेक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो उसी सीरीज़ में इस बार हम लोग एक सिस्टम जो लेके आए हैं वो एब एंड फ्लो सिस्टम कहते हैं, मतलब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। नॉर्मली जो है पौधों में जो पानी दिया जाता है या फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू या ऊपर से स्प्रेइंग किया जाता है। लेकिन जब हम लोग स्प्रे वगैरह करते हैं और अगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स है तो उसमें बहुत सारे दाग वगैरह लग जाते हैं। जैसे आप दिख रहे हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। जब हम ऊपर से अगर फर्टिलाइज़र का पानी या कुछ भी दें या अगर हम इसमें घर के अंदर कुछ खेती करना चाहें जिसमें हम जैसे किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, तो ऊपर से फर्टिलाइज़र और उसका ना रहे, ये सिस्टम जो है बेसिकली इसके टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें मोटर लगा हुआ है, पानी ऊपर आता है और पानी जो है नीचे से पॉट के नीचे से पौधे में आता है। और आपने एक बार पानी दिया, इसके बाद 7-8 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2-5 मिनट चलेगा, पानी आएगा, पौधे को जितना पानी लेना है वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं छुट्टियों पे और आपके बरामदे में प्लांट लगे हुए, हमें चिंता होती है पानी कौन देगा, है ना। अब 7-8 दिन के लिए आप जा रहे हैं, पौधे सूख जाएंगे, लेकिन आपने ये सिस्टम एक बार चला दिया, जैसे ही मीडिया ने पानी ले लिया वो कम से कम 6-7 दिन आपको पौधे में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि नॉर्मली 5-6 दिन जैसे आप बता रहे हैं कि पानी देने की ज़रूरत नहीं है पौधे की, तो इसका जो सिस्टम है, जो ये फ्लो सिस्टम आप बता रहे हैं, वो मतलब किस तरीके से काम करता है ये बेसिकली कैपिलरी मूवमेंट बोलते हैं। पानी जो है ना वो कैपिलरी मूवमेंट के तहत नीचे से जो इसमें छेद होती है इसके नीचे से मीडिया जो है खींच लेता है, उसको कोकोपीट मीडिया होता है, वो पानी को पकड़ लेता है और उसमें मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर जब रहेगा तो जड़ें जो हैं वहीं से अपना मॉइस्चर, जो भी पानी वगैरह लेना है, खाद लेना है, वो लेता रहेगा। इसको कहाँ पर मतलब जो इसका पर्पज़ है बनाने का, तो किन जगहों पे इसको यूज़ किया जा सकता है? एक्चुअली नॉर्मली जो हमने देखा ये एक छोटा मॉडल है, जैसे किसी को अगर घर पे कोई करना हो, किचन गार्डन करना हो या रूफटॉप गार्डन करना हो, बहुत बार हम देखते हैं ऑफिसेज में प्लांट लगाना हो, लेकिन लोगों को रहता है यार रोज़ पानी देना है, गंदा होगा, पानी गिरेगा, कुछ होगा, तो इस तरह का हमने एक सिस्टम बना दिया जो कि पॉट प्लांट आप रख सकते हैं ऑफिसेज में। और इसमें और भी हमारे पास मॉडल्स हैं, इसी में आप पॉट के अंदर अगर आपको किचन गार्डन करना है तो ऐसे पॉट में आप टमाटर का पौधा लगा सकते हैं, मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं, इसके अलावा आप जैसे कि क्या बोलते हैं स्पिनच वगैरह लगा सकते हैं। तो घर में अगर छत के ऊपर इस तरह का सिस्टम लगा दिया, आपको रोज़ पानी देने का टेंशन नहीं और वो होता रहेगा। इसमें कितने मॉडल्स और आपने बनाए हुए हैं, कितने मॉडल्स इसमें? और अभी हमने बेसिक 2 मॉडल दिया है, जैसे एक ये देख रहे हैं, इसमें आप ऊपर से लाइट वगैरह देकर डेकोरेट भी कर सकते हैं। और एक मॉडल है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाते हैं, छोटा मॉडल है। एक चीज़ इसमें देखिए, जैसे व्हील लगा है तो साफ सफाई के लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको हटा सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं, असेंबल किया जा सकता है, नीचे व्हील लगी हुई है जिससे कि इसका मूवमेंट हो सकता है। और एक छोटा मॉडल यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि 4 फीट लंबा है, हाइट है, इसमें पानी है और ये एक छोटा मॉडल है जो कि आप अपने बरामदे वगैरह में अगर पौधे रखने हो या आपके रूप में रखना हो, कहीं भी यू कैन मूव इट। सो ये बेस्ट है पोर्टेबिलिटी के हिसाब से और कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर हम इनकी नॉर्मली अगर कीमतों की बात करें तो क्या कीमत आप लोगों की? कीमत बहुत अफोर्डेबल है, जैसे ये सिस्टम अंदाजन 6-7 हज़ार रुपये के अंदर फुल सेट आ जाता है विद ऑटोमेशन, और ये लगभग कुछ 12-14 हज़ार के अंदर आ जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ शुभांकर दत्ता गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि ये किस तरीके का क्या मॉडल है और कैसे ये काम करता है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू।